अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आजम अली खान यूसुफ़ज़ई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। जम्मू कश्मीर को खानदानी जमातों से ज्यादा किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में अवामी रैली से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने इलेक्शन कमीशन पर एक मरतबा फिर जानबदारी का लगाया इल्जाम। वीवीपैट से मुतालिक पूछे कई सवाल। ईद उल फित्र के मौके पर तेलंगाना के सूर्यापेट में सड़क हादसा, 3 नौजवान हलाक, 1 जख्मी। महलूक नौजवानों के घरों में गम की लहर। ईद उल फित्र के मौके पर तेलंगाना के सूर्यापेट में सड़क हादसा, 3 नौजवान हलाक, 1 जख्मी। महलूक नौजवानों के घरों में गम की लहर। दिल्ली शराब केस मामला के कविता की गिरफ्तारी गैर कानूनी। बीआरएस लीडर के कविता के वकील की अदालत में बहस। गजा पट्टी पर इजरायली अफवाज के हमले जारी। ताज़ा हमलों में 63 मासूम शहरी शहीद और 45 जख्मी। इजरायली जारहियत में अब तक 33,000 से ज़ायद शहीद और 67,000 से ज़ायद जख्मी।